हाय गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। आज हम लोग नामकुम बाज़ार जा रहे हैं, तो आप लोग हम लोग का वीडियो में इन तक बने रहिएगा। और अभी हम आप लोग को नामकुम बाज़ार का दृश्य दिखा रहे हैं। फाइनली हम लोग अब नामकुम बाज़ार पहुँच ही गए हैं। नामकुम चौक पार हो गए हैं। अब जो राइट साइड में है यही नामकुम बाज़ार है। ये बहुत ही बड़ा नामकुम बाज़ार लगता है। सो गाइस, अभी अंदर चल के दिखाते हैं। नामकुम बाज़ार दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना दुकान लगा हुआ है और आदमी कैसे ले रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हम लोग भी अभी चलते हैं। हम लोग अभी कुछ खरीदना है सब्जी उब्जी, तो देखते हैं सब्जी का दाम, पूछते हैं कैसा है। इधर में राइट साइड देख सकते हैं आप लोग कैसे छोटा छोटा तिरपाल बंधा हुआ है। इसमें आप लोग समझ सकते हैं क्या बिकता होगा यहाँ पे। यहाँ पे दारू हो गया, लस्सी हो गया, ऐसे टाइप से जो नशे का चीज़ है वही बिकता है। और स्पेशल यहाँ खास है बंडा भूंजता है, भूंजाता है, बंडा कटता है साइड में उधर। तो अगला ब्लॉग में दिखाएंगे कभी बंडा के बारे में। और ये देखिए हरा हरा सब्जी यहाँ पे बहुत ही कम दाम है। इधर ये लौकी 20 रुपया केजी है, बहुत ही 30 रुपया केजी है यहाँ पे। और टमाटर भी पूछते हैं अभी कैसे केजी है रेट। ऐसे तो शहर में बहुत ज़्यादा रेट है। तो गाइस अभी टमाटर का दाम पूछते हैं, टमाटर कहाँ है यहाँ पे। ये 110 रुपया केजी है टमाटर यहाँ पे। आप लोग बाज़ार में आके ले सकते हैं दोस्तों। नामकुम बाज़ार ऐसे ही प्रचलित नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब प्रकार का चीज़ मिलता है। इधर एक साइड में कपड़ा का दुकान हो गया पूरा, इस साइड में बस कपड़ा ही मिलता है। और इधर छाता होता है या क्या, सीजन का है इसलिए छाता भी बिक रहा है। लेकिन इधर आपका बस कपड़ा ही बिकता है इस साइड में। बस सब तरफ जिस तरफ देख रहे हैं आप लोग, बस कपड़ा का ही दुकान देखने को मिल रहा है। और इधर देखिए ये बस मिठाई का दुकान इस साइड में लगा हुआ है, बस इधर मिठाई का दुकान मिलता है दोस्तों। और आगे साइड भी कपड़ा का ही दुकान है इधर भी साइड में। दोस्तों अब काफ़ी समय हो गया, तो अब हम लोग अपना रूम की ओर चलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा गाइस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर से अब एक नए ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। तब